जय श्री राम भाई। तो वीडियो आज की मैं मेरी ज्यादातर वीडियो यही बनती है मेरी कार में, जैसे मैं काम पे जाता हूँ भाई टाइम नहीं मिलता यार। घर पे एक वीडियो बनाऊंगा कि F1 के वीजा में क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई वीडियो बना दूं तो आपको भी प्रॉब्लम हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एम्बेसी, आज की वीडियो है एम्बेसी कैसी है अंदर से, शॉर्ट में जल्दी ही बताऊंगा वैसे तो, कि बाहर जो है बहुत ज्यादा स्लीपी हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम है 0 डिग्री है लेकिन रोड स्लिप हो रहा है। रात बड़ी मुश्किल से आया भाई, कार मुड़ी नहीं रही एक मोड़ पे, तो बस मुझे पता किस तरह मुड़ी मैंने कार को, स्लिप होकर तो चली गई थी। तो भाई एम्बेसी होती है जैसे हम एम्बेसी के बाहर खड़े होते हैं, एम्बेसी के बाहर ऐसी जैसे कि इधर, जैसे इधर ये एम्बेसी है तो उधर उस कॉर्नर पे हम खड़े रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उधर फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है क्योंकि वीआईपी एरिया है भाई। वीआईपी एरिया क्या है, वहाँ सभी एम्बेसी है, जापान की, चीन की, पाकिस्तान की भी एम्बेसी वहीं पे है, तो मतलब सारी एम्बेसी अलग उसी एरिया में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी दूर खड़े होंगे तो वहां से अपने डॉक्यूमेंट लेके हमने लाइन में लग जाना है। लाइन में लगते ही तो दो लाइनें लगी रहती है एम्बेसी के बाहर साइड से ही, मतलब वैसी लंबी लाइन लगा देते हैं जिधर से निकलते हैं, तो उधर से आपकी लाइन लगी रहती है। तो सबसे पहले आपकी वैसी चेकिंग, आपकी I-20 चेक होती है, आपके साइन होते हैं बाहर ही, तो आप अंदर जाते हो, अंदर जाकर एक सिक्योरिटी चेकिंग है, सिक्योरिटी चेकिंग में अपने बेल्ट बुल्ट निकालनी होती है अपनी, जो भी पर्स वगैरह वो साइड से स्कैन होकर जाता है और आपको स्कैनर से निकलना होता है, वो आपको स्कैन कर लेता है कि कोई मेटल की चीज ऐसी वैसी चीज तो नहीं है, तो वो खुद स्कैन कर लेता है, तो वो सिक्योरिटी होती है। फिर अंदर जाके रेस्ट रूम होता है, रेस्ट रूम में जाके अपने आपको फ्रेश होना हो, मतलब हो जाता है इंसान के माइंड का क्या पता कितने दूर से आता बंदा, तो वहां पे आसपास में मतलब वहां अपने बेल्ट बोल्ट जो आपने निकाली है उसको आप पहन सकते हो, डाल सकते हो, जो भी आपने घड़ी वगैरह तो अपनी सेटिंग कर सकते हो इंटरव्यू में जाने से पहले, मतलब कि बंदे ड्रेस होके आते हैं, पूरी ड्रेस डाल के आते हैं अच्छी अच्छी, तो उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई फिर अंदर जाते ही आपको सबसे पहले तो ऐसे कुर्सियां बिछी होती है 4-5 लाइनें, इधर फेस होता है उनका, 4-5 लाइनें कुर्सी होती है, आपको जो जो कुर्सी की लाइन खाली होती है उसमें बिठाते चले जाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट वाली से चलो भाई, मैं सिक्योरिटी वाले बोलते हैं, चलो भाई पहली लाइन का नंबर आ गया वो अंदर चल जाओ, फिर दूसरी वाली का, फिर तीसरी वाली का, फिर दोबारा से पहली से स्टार्ट करते हैं। अंदरली साइड आप एंटर करोगे ना, तो एंटर करते ही आपको लाइन लगी होती है, लाइन ही लगी रहती है वहां पे सीधी, आप पीछे स्टूडेंटों के पीछे, F1 F2 के दोनों के एक ही उसमें इंटरव्यू होते हैं भाई, कभी सोच लो कि F2 वालों के कहीं और इंटरव्यू होंगे, ठीक है। तो भाई लाइन लगी रहती है, तो सामने काउंटर, जैसे कि इधर स्टेट है, इधर काउंटर बने हुए हैं थोड़ी सी दूर, 1, 2, 3, 4 13-14 काउंटर बने होते हैं, उसमें से कुछ चल रहे होते हैं, कुछ मतलब कुछ पे इंटरव्यू लेने वाले बैठे रहते हैं, बिल्कुल आपके सामने होता है। तो पहले सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा आपको, सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा कि आपको रोकेगा, आपको बोलेगा जो सा काउंटर खाली होगा, जो उनसे काउंटर पे लगेगा भाई एक दो बच्चा रह रहा, उधर आपको भेज देगा, उधर आपको भेज देगा। तो भाई काउंटर पे जैसे ही आप खड़े हो गए तो वहां आपके सामने भी एक थोड़ा अगली साइड एक बंदा खड़ा होगा, उससे अगली साइड एक बंदा खड़ा हो सकता है, तो उसका इंटरव्यू चल रहा होगा, आप सुन सकते हो कि उससे क्या पूछा, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, क्या हुआ, फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मेरे को 40-50 सेकंड लेने होते हैं भाई, 40-50 सेकंड में उन्होंने सारा कुछ जांच लेना होता है, आपका मेन होता है आपका DS-160 जैसे आपने फील अप किया होता है वो मेन होता है, जो उसी के थ्रू ही आपका एक्सेप्ट होता है, बाकी आपकी लैंग्वेज तो मैटर करती है भाई, आप किस तरह बोल रहे हो, ठीक है ना। तो भाई यही बता रहा हूं, तो वहीं से आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पहले उसके बारे में मैंने पहले बता ही रखा है कि किस तरह के इंटरव्यू होते हैं, किस तरह से बंदा वो आपके फेस को देखता है या नहीं देखता है, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो भाई इतना छोटा सा चीज होती है एम्बेसी में, और कुछ नहीं होता इससे ऊपर कि आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे, कोई वैसी, इतना ही होता है, ऐसी यही F1 का प्रोसेस है, यही F2 का प्रोसेस है एंट्री करने का, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई बंदे जानना चाहते थे कि क्या है अंदर से, क्या सिस्टम है,
तो वैसे एक आपने फोटो फाटो उधर रख रखी हो कि शीशे सा होता है कि शीशे के पीछे उधर उधर की साइड शीशे के परली साइड वो बैठा रहता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, इधरली साइड हम होते हैं, ठीक है ना। ऐसे खिड़कियां सी बनी होती है, खिड़कियां सी बनी होती है, ऐसे 13 खिड़कियां बनी है, 13 खिड़कियों के परली साइड वो बैठा रहता है इंटरव्यू लेने वाला। आपको वैसे भी मैंने कहीं हो के थंबनेल लगा रखा है कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं वो, उसमें आप देख सकते हो कि खिड़कियां किस तरह की होती है, ठीक है भाई। तो भाई यही वैसे ही वही अच्छे तरीके से, तो वही भाई इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में ऐसी कुछ आप जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा इससे रिलेटेड ताकि आप समझ सको, ठीक है ना। तो शीशा होता है, प्रॉपर शीशा होता है, पूरा कवर्ड होता है, बिल्कुल छोटा सा छेद होता है नीचेली साइड, एक इतना छोटा सा वो बना होता है जिसमें से आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदरी साइड माइक लगा होता है, बाहरी साइड स्पीकर लगा होता है, आपकी साइड भी एक माइक सा होता है, ठीक है ना। आप भी उसमें माइक में बोल सकते हो, एक छोटा माइक लगा होता है, छोटा माइक उधर साइड होता है। तो कई माइक पूछते हैं कि आवाज साफ आती है, नहीं बिल्कुल आवाज स्पष्ट आती है भाई, बिल्कुल स्पष्ट आती है आवाज, बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि उसने क्या पूछा, ठीक है ना। तो जय श्री राम भाई। तो यही वीडियो थी, बाकी अगला प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, उसके लिए रिलेटेड मैं वीडियो और क्वेश्चन आंसर की बनाऊंगा, लेकिन मैंने बना रखी है वैसे, वो पिछली वाली वीडियो में देख लीजिए भाई, उससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि बाकी आपको पता ही है इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किस तरह लेते हैं वो उन पे डिपेंड है, और वो आपकी तैयारी पे डिपेंड है, और आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड है, ठीक है। तो जय श्री राम भाई। आज की वीडियो मेरी सिर्फ एम्बेसी से रिलेटेड थी कि किस तरह अंदर का इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता भाई, बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल लाइन वाइज सब काम प्रोसेस आसानी से हो जाते हैं, इधर टाइम नहीं लगता। 40 से 50 सेकंड में आपसे क्या पूछेगा, एक मिनट तो किसी पे लेते होंगे जो लाए, एक मिनट तो किसी पे लेते ही नहीं वो भाई, सेकंडों में काम होता है उनको, क्योंकि यार बंदे बाहर इतने होते हैं, उनको जल्दी जल्दी सभी निकालने होते हैं, सच्चाई जो बात है। तो सभी बंदे को क्लियर करना होता है उन्होंने दिन के अंदर, तो भाई में स्पीड से लेते हैं वो, आपके फेस इंप्रेशन तो मुश्किल ही देखते हैं, एक बार लुक लेते हैं सिर्फ आपकी तरफ की कैसे क्या है, बाकी तो कंप्यूटर में देखते हैं, आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, और आपके साथ बात भी करते रहते हैं प्रोफाइल में देखते हैं कि प्रोफाइल में जो लिख रखे है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो भाई क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये है थोड़ा सा वो, बी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्ट होते, सबसे ज्यादा दिल्ली में एक्सेप्ट हो रहे हैं इस समय भी। तो बाकी जय श्री राम, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी भाई, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।